वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस सैटरडे हमने सोचा कुछ, वी वर लाइक क्लूलेस कि कहाँ जाना है दोपहर को। वी वर बोर्ड, तो सोचा गाड़ी निकाल के निकलते हैं पनवेल तलोजा रोड पे। पनवेल तलोजा रोड पे जब मैं जा रहे थे हम लोग, तो हमको काफ़ी ऐसे होर्डिंग्स दिखे एंड यू नो बैनर्स दिखे कि देर इज़ सम पुष्प वाटिका रिजॉर्ट। तो ये देखने के लिए हमने सोचा कि चलो घुस के देख लेते। तो पुष्प वाटिका में देर वॉज अ पूल साइड रेस्टोरेंट ऑल्सो, सो हमने सोचा कि चलो आज का वीकेंड लंच यहीं पे करेंगे। और वीकेंड लंच, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट लंच एवर आई हैड। मैं कह सकता हूँ कि आप सोचेंगे भी नहीं कि इस रोड पे इस तरह का एक रिजॉर्ट भी होगा, एंड रिजॉर्ट में खूबसूरत एक पूल साइड में ज़बरदस्त लंच के लिए एक रेस्टोरेंट भी होगा। तो चलो चलते हैं, आपको इस खूबसूरत रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट का एक लुक एंड व्यू एंड टूर कराते हैं आपको। तो बने रहिए, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरा, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लग दोस्तों, ये रिजॉर्ट में डेस्टिनेशन वेटिंग तक होती है। आई एम श्योर आप लोगों से काफ़ी दोस्त इसलिए इस वीडियो देख रहे होंगे कि डेस्टिनेशन वेटिंग कहाँ किया जाए। तो आप सही जगह पर आइए, कंटिन्यू कीजिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो हम ये पुष्प वाटिका रिजॉर्ट में आए, इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है पूल साइड, क्या पूल साइड रेस्टोरेंट वहाँ जाने के लिए हम आए हैं। पूल साइड रेस्टोरेंट के लिए यहाँ पे हॉर्न बजाएंगे तो होपफुली कोई खोले। यही से है क्या रास्ता? यही सही है, देखो खुल गया। तो हम एक्चुअली रहने के लिए तो नहीं है, रेस्टोरेंट ट्राई करने आए। रिजॉर्ट भी घूम लेंगे। अच्छा, फिर वॉचमैन जी को पूछ लेते हैं। ये पूल साइड रेस्टोरेंट साठी आलो है, पूल साइड रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट मध्ये आलो। बुकिंग है? बुकिंग नाही, फोन केलेला ते बोले या म्हणून, बोले ते आ जाओ। काम से जाने का मिल देखो साहब, खाना खाने के लिए आए। तो ये एंट्री के कुछ सीन्स ऐसे है। इन्होंने कहा ये लेफ्ट में है, जैसे राइट में से जल्दी हम पाते हैं लगा देंगे। ये है पार्किंग, है पार्किंग पर बेसिकली। दोस्तों ऐसा है कि दोनों तरफ स्टे, एक तरफ स्टे के ऑप्शन है, दूसरी तरफ इनके लॉन्स है जहाँ पे बर्थडे पार्टी, शादियाँ, एंगेजमेंट, वॉट एवर आपका जो भी फंक्शन है वो कंडक्ट करते हैं। मैं आपको आगे लॉन्स कितने टाइप के हैं वो भी बताऊँगा, बस चैनल पे बने रहिए। और सामने आप देख रहे हो दूसरा एग्जिट है, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है पर जगह वेल मैनेज है और इनका बड़ा लॉन भी एक है। वो आप बताता हूँ आपकी पूल साइड, ये होगा रेस्टोरेंट। एक चीज़ अच्छी है दोस्तों, इन्होंने साइनेजेस हर जगह लगाई है, जिस वजह से क्या है लोगों को कंफ्यूजन ना हो और सही जगह पे विदाउट टाइम वेस्ट ये पहुंच जाए। ये है अपना पूल साइड रेस्टोरेंट, चलो अंदर जाके खा लेते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि दोस्तों इस रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस नहीं है, क्योंकि स्कूल है लग के इस रिजॉर्ट को। एंड बस आप रूम के अंदर यू कैन हैव योर ओन अल्कोहल। रेस्टोरेंट के राइट में रूम्स के ऑप्शन है और लेफ्ट में आपने देखा इंडिविजुअल कॉटेजेस टाइप के हाउसिंग है। सो रेस्टोरेंट के अंदर हम आ गए हैं और हमारे हाथ में ये मेन्यू कार्ड थमा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शंस इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं, डिनर सब कुछ मिल जाएगा, बूफे तक है, मॉकटेल्स भी है इनके पास। सो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी है। सो दोस्तों ये है आपका पूल साइड रेस्ट्रो। ये एक्चुअली इट इज़ नेम्ड बिकॉज ऑब्वियसली इसके साइड में एक पूल है, पूल व्यू है आपको। पूल वालों को भी रेस्टोरेंट दिखता है, रेस्टोरेंट वालों को भी पूल दिखता है ऑब्वियसली। बट खास बात इसकी ये है कि एक वेल एक वेल डेकोरेटेड रेस्टोरेंट है इसमें, और ज़्यादा सीटिंग्स नहीं है।
आई एम श्योर इसमें दोपहर को, रात को लंच और डिनर का यहाँ पे बूफे का भी ऑप्शन है, ये अच्छी बात है। बट हम लेट आए इस यहाँ पे, 3 बजे के करीब आए तो हमको बूफे नहीं मिला। हमने अला कार्ट से ऑर्डर मंगाया है और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। और जैसे आप देख पा रहे हो डेफिनेटली वेरी वेल यू नो मेंटेन है। वेज क्रिस्पी है ना, देखो दे रही अंकल ने दे दिया। खाएगा अभी खाएगा आ गया है वेज क्रिस्पी। अद्वै तू खाएगा, खा के देखो फॉक्स से, खा के देखो गरम है क्या। हाँ यू आर टू स्मॉल। दिस इज चिकन चिली, बर्न चिकन चिली, दिस इज स्पेशलिटी। तो हमने मंगा लिया। इन मेन कोर्स में हमने चिकन रारा ऑर्डर किया है। लुक्स डिलीशियस विद गुड गार्निशिंग, लेट्स होप अच्छा हो। ये सब हो गया चिकन रारा। उसको पर लगा तो पहुंच दो बस। सर उसने गिरा दिया नीचे एक बस पर। यहाँ पे एक गजीबो टाइप का भी रखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे भी सर्विंग होती होगी शाम को फॉर फैमिलीज टू सिट। और ये वो लॉन है, यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है, वट एवर इवन। इनफैक्ट इनका कहना है कि रोड्स के अदर साइड भी इनका एक प्रॉपर्टी आया है यहाँ पे, और भी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया। ये था वो पूल जहाँ पे हमने खाया। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, कृष्णा का है। ये काफी एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। दैट दिस, इसके अंदर कौन सा है, कौन सा भगवान है? किशन नहीं, कृष्णा। Yes. And what about this? Come here, come here. ये कौन सा है? What about this? ये वाला? कौन सा है? गणपति बाबा। और ये? मोया। और ये? गणपति बाबा। गणपति बाबा नहीं, एलिफेंट है।
सो ये इनका स्मॉलेस्ट लॉन है लोटस लॉन, उसके साइड में ये बाम्बू लॉन है विच इज बिगर देन द लोटस लॉन, और ये उससे भी बड़ा टेम्पल लॉन है, ये काफी बड़ा है, और ये सबसे बड़ा ग्रैंड लॉन, यहाँ पे ग्रैंड शादियाँ हो सकती है दोस्तों। विलेज यहाँ पे लिखा है, कंसेप्ट इन्होंने विलेज जैसे एक घर बना के रखा है, जैसे आप अगर सबसे रूरल एरियाज में कोई विलेज में किसी का घर देखते हो तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखता है, आपको पता है, ये उसी कंसेप्ट में बना के रखा हुआ है। पकड़ो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जगह, तब तक दिस इज़ विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग्स, टाटा बाय बाय, जय हिंद।